कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 17 दिसंबर 2021 वार शुक्रवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम, अपने आराध्य भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए पंचांग शुरू करते हैं। वार शुक्रवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी तिथि, स्थिति के स्वामी भगवान शिव हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करने से पहले आप भगवान शिव के मंत्र का जाप अवश्य करें। नक्षत्र कृतिका नक्षत्र जो कि सुबह 10:40 तक रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। बात करें योग की तो सिद्ध योग जो कि सुबह 8:13 तक रहने वाला है, उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। करण गर करण शाम 6:02 तक रहेगा, उसके बाद वाणिज्य करण शुरू हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 7:11, सूर्यास्त शाम 5:22। सूर्यदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं। चंद्रोदय की बात करें तो शाम 4:05। चंद्रास की बात करें तो अगले दिन सुबह 6:07। चंद्र राशि वृष राशि है, और चंद्रमा के लिए वृष राशि जो है वो उच्च की राशि मानी गई है। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 5:35 से लेकर सुबह 6:23 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने इष्ट देव की आराधना और मंत्र जप के लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा माना गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की, अगर कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो शुभ समय के साथ अगर शुभ लग्न हमें नहीं मिल रहा है तो हम उस शुभ कार्य को अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त 11:56 से लेकर और 12:37 तक रहने वाला है दोपहर में। आइए बात करते हैं दिन के चौघड़िए की। प्रारंभ करते हैं सूर्योदय से। सुबह 7:11 से लेकर 8:28 चरका चौघड़िया जो कि सामान्य समय है, चर के बाद लाभ 8:28 से लेकर 9:44 तक शुभ चौघड़िया है, अच्छा चौघड़िया है। लाभ के बाद बात करें अमृत 9:44 से लेकर 11 बजे तक, यह भी अच्छा चौघड़िया है, शुभ है। लाभ और अमृत के चौघड़िए शुभ कार्य को शुरू करने के लिए शुभ समय है। अमृत के बाद बात करें काल 11 बजे से लेकर 12:17 तक अशुभ चौघड़िया है। काल के बाद शुभ 12:17 से लेकर 1:33 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया अच्छा समय माना गया है। शुभ के बाद रोग 1:33 से लेकर 2:49 तक रहेगा दोपहर में। रोग का चौघड़िया अशुभ चौघड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 2:49 से लेकर और 4:06 तक रहने वाला है। उद्वेग का चौघड़िया भी अशुभ चौघड़िया माना गया है। उद्वेग के बाद फिर से चर का चौघड़िया 4:06 से लेकर और शाम 5:22 तक रहेगा। चर का चौघड़िया सामान्य समय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य अगर आप शुरू कर रहे हैं, शुभ चौघड़िया, शुभ लग्न और आपको चंद्रबल अवश्य देखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहुकाल और कुलिक काल। राहुकाल की बात करें तो राहुकाल 10:30 से लेकर सुबह और दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ यात्रा राहुकाल में शुरू नहीं करते हैं। बात करें हम गुलिक काल की तो 8:30 से लेकर और 10 बजे तक गुलिक काल रहने वाला है। दोनों ही समय ज्योतिष शास्त्र में अशुभ समय माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हमें राहुकाल और गुलिक काल में नहीं करनी चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पश्चिम दिशा। फिर भी अगर जातक यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले उसे दिशाशूल का परिहार अवश्य कर लेना चाहिए, यानी आज के दिन जौ से बने हुए पदार्थों का सेवन करके ही वह यात्रा करे। आइए बात करते हैं चंद्रबल यानी शुभ राशियों की, कि कौन कौन सी राशियाँ आज शुभ राशि रहने वाली हैं। तो शुभ राशियाँ हैं वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामाक्षर और जन्म पाई की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी वृष राशि रहने वाली है। वृष राशि चंद्रमा के लिए उच्च की राशि यानी पावरफुल राशि मानी गई है। बात करें नामाक्षर की तो उनके नामाक्षर रहेंगे ए, ओ और वा। जन्म पाई की बात करें तो इनका सभी का स्वर्ण का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।